हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैंने कुछ दिनों पहले एक शूरैक ऑर्डर किया था। वुडन शूरैक आजकल काफ़ी इन है और बहुत ट्रेंडी लगते हैं घरों में। और मैं जब उसे वुडन मतलब प्योर वुड का देख रही थी तो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहा था और मेरा बजट था कुछ 6-7 thousand के अंदर के रेंज का। तो मैंने इंटरनेट पर स्क्रॉन्च करना चालू किया। काफ़ी सारी वेबसाइट्स को देखने के बाद, काफ़ी सारे प्राइस कंपेयर करने के बाद मैंने एक शूरैक ऑर्डर किया जिसकी डिलीवरी फाइनली हो चुकी है। वो कैसा है, उसे कैसा दिखता है बनने के बाद। और सब दूसरी एक चीज़ बात, ये शूरैक्स जो हैं ये आपको डिसमेंटल होके आते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें या तो अपने से लगाना पड़ता है या समटाइम्स कुछ वेबसाइट रहती हैं जो कि उनके साथ कारपेंटर असिस्ट करती है। बट मैंने जो शूरैक मंगाया है उसके साथ कोई भी मतलब कारपेंटर की असिस्टेंस नहीं है जो कि फ्री हो। अगर आप चाहें तो आप ऑब्वियसली बुला सकते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, बट देन वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। बट मैंने सोचा कि मैं इतनी केपेबल इनफ हूँ कि मैं अपना शूरैक अपने से बना सकती हूँ, तो उसी का प्रोसीजर, क्योंकि अगर आप चाहें खरीद के अपने से उसे दोबारा से रिफर्बिशिंग करना तो आप करें, उसका प्रोसीजर मैं आपको अभी जल्दी से दिखाने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि ये शूरैक बन के कैसा दिखता है। इन बिटवीन मैं आपको उसकी क्वालिटी, प्राइसिंग और सब कुछ बताऊंगी, तो आप बिल्कुल जुड़ रहे हैं इस वीडियो के साथ ताकि आपको एंड तक उसका एंड रिजल्ट पता लगे कि ये वर्थ है खरीदना या नहीं। तो चलिए चलते हैं बिना ही डिले किए हुए वीडियो की ओर। ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है, यूजुअली जैसे वो आते हैं, और ये बन के कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस शूरैक की अच्छी बात ये है कि इसमें ये जो इसके नीचे के पाँव हैं ये वुडन के हैं, प्लास्टिक वाले नहीं हैं। प्लास्टिक वाले बहुत स्टर्डी नहीं होते, कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से, यही कुछ रीजंस की वजह से मैंने ये वाला शूरैक ऑर्डर किया। और ये है सारा उसको जोड़ने का सामान। और शूरैक कुछ ऐसा दिखता है अभी, ऑब्वियसली बनने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में कैसा दिखता है। बट अभी ये ऐसा दिख रहा है। और इसके साथ इन्होंने ये मैनुअल दिया है जिसे आप पढ़ के बहुत ही ईजी शूरैक को रीबिल्ड कर सकते हैं। क्वालिटी सो फार सो गुड, क्वालिटी सो फार मुझे सही लग रही है, थिकनेस अच्छी है। आई होप ये झुके या ऐसा कुछ ना हो, वो तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा, बट अभी ये ठीक है। ये एक चीज़ और, ये पार्टिकल बोर्ड का बना हुआ है, ये प्लाईवुड का नहीं बना हुआ है। पार्टिकल बोर्ड के आजकल प्रोडक्ट्स बहुत ही फर्नीचर इन हैं और वो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेस जोड़ने से। उसके लिए यहाँ पे पूरी टेक्निक दे रखी है पेपर में, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये रहा वो पेपर, इसके ऊपर नंबरिंग भी क्या रखी है, बेसिकली लेटर्स लिख रखे हैं कौन सा आपको कैसे लगाना है। जैसे ये है के नंबर, और ये रहा एल नंबर, और जो वुड है उसके ऊपर भी 1 लिखा हुआ है। तो अब इसे जोड़ना चालू करते हैं। फाइनली पहला प्रोसीजर पूरा हो चुका है। देखिए ये इस तरीके से लग के ऐसा दिखता है। अब बढ़ते दूसरे प्रोसीजर की ओर जो कि इसे फिक्स करना है।